नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल गुरु घंटाल में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सीबीआई, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, कुछ दिन पहले से लेकर अभी तक भारत की ये जो संस्था है वो काफी न्यूज में रही। इनके दामन पे कई सवाल उठे। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि सीबीआई के एक ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए, इल्जामात लगाए, और कई सारे सीबीआई ऑफिसर जो कि आला दर्जे के हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। अभी कुछ दिन पहले सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा ने इस्तीफा दे दिया और लोगों ने भी कई अटकलें लगाई कि अगर देश की जो सर्वोच्च जांच एजेंसी है अगर वो एक दूसरे के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में सीबीआई ने लापरवाही बरती होगी। हो सकता है कि आरुषि मर्डर केस में सीबीआई ने कोई लापरवाही बरती, इसीलिए आज तक कातिल पकड़ा नहीं गया। और भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सीबीआई उस केसेस को सॉल्व नहीं कर पाई। तो इन सारी चीजों के कारण से सीबीआई के दामन पे इधर बीच कई दाग लगे। आज हमारा ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि ये जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी, ये काम किस तरह करती है, ये बनी किस तरह, इसमें जो डायरेक्टर होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। सो बहुत कुछ है जानने को, निकल पड़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, 1963 के वक्त में आपका जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तब तक वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती थी, मगर आफ्टर दैट इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग के अंडर में आपका रख दिया गया। मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आती है। द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सेटअप इन 1941 वॉज ऑल्सो मर्ज विथ सीबीआई। जब अंग्रेज भारत में हुकूमत कर रहे थे और उनके आखिरी के कुछ दिन बचे हुए थे तो अंग्रेजों ने आपकी एक संस्था बनाई थी, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। 1941 में यह संस्था आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मर्ज हो गई थी। The CBI is not a statutory body. It derived its power from Delhi Special Police Establishment Act 1946. CBI कोई statutory body नहीं है, इसका mention संविधान में कहीं नहीं है। इसको इसकी power Delhi Special Police Establishment Act 1946 के तहत मिली। और जो CBI है वो आपकी एक committee थी, शांतानाम कमिटी, उन्होंने रिकमेंड किया था करप्शन को रोकने के लिए, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ और भारत का बंटवारा हुआ देन देयर आफ्टर भारत में धीरे धीरे कर करप्शन केसेस बहुत बढ़ने लगे। तो उन करप्शंस को रोकने के लिए, क्योंकि उन करप्शंस में आपका बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी लिप्त होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट आला अधिकारी, तो उनको रोकने के लिए एक शांतानाम कमिटी ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसकी नकेल सेंट्रल गवर्नमेंट तक के ऑफिसर्स के ऊपर हो। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-1964। द सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि हमारे देश की केंद्र सरकार की
जो सबसे मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो है आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नाम में ही लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेन इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनमें करप्शन को रोकने के लिए और उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ही इनका सर्वोच्च धर्म है. इट ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल. ये आपका असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सहायक के तौर पर भी काम करते हैं. किसके? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल के. अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीबीआई. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसे कई सारे आर्म्स होते हैं. जिस तरह हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं. इनमें आपका एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है. मतलब कि इन सात ऑर्गन्स को मिलकर आपकी सीबीआई बनती है. अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सीबीआई. द सीबीआई इज हेडेड बाय डायरेक्टर. सीबीआई को हेड कौन करता है? डायरेक्टर, जो कि कुछ दिन पहले तक आपके आलोक वर्मा थे. ही इज असिस्टेड बाय अ स्पेशल डायरेक्टर और एन एडिशनल डायरेक्टर. और उसे असिस्ट करते हैं स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, जो कि राकेश अस्थाना थे. और आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना ने ही एक दूसरे के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए थे, मतलब कि इल्जाम लगाए थे. इट हैज अबाउट 5,000 स्टाफ मेंबर्स, अबाउट 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड अबाउट 250 लॉ ऑफिसर्स. मतलब कि इनके स्टाफ में करीब करीब 5,000 लोग हैं, 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं और 250 आपके लॉ ऑफिसर्स हैं. The director of CBI as Inspector General of Police, Delhi Special Police Establishment is responsible for the administration of the organization. जो director होता है CBI का, वो as a Inspector General of Police, मतलब उसकी rank होती है. और जो Delhi Special Police Establishment Act आपकी बनी थी, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया था, वही responsible होती है इनकी administration की. The director of CBI has been provided security of 2-year tenure in the office by the CVC Act 2003. दोस्तों पहले क्या होता था हमारे देश में कि जैसे ही सरकारें बदलती थी वैसे ही CBI का डायरेक्टर बदल दिया जाता था. मगर CVC Act 2003 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि कोई भी सरकार आए या जाए सीबीआई के डायरेक्टर को कंपल्सरली आपका 2 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा. इसका मतलब है कि अगर किसी बंदे की नियुक्ति एज अ सीबीआई डायरेक्टर होती है तो 2 साल तक वो सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर रहेगा, चाहे सरकार आए चाहे सरकार जाए, उसे कोई भी नहीं हटा सकता. द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 amend the Delhi Special Police Establishment Act 1946 and made the following changes with respect to the composition of the CBI. जो CBI की बनावट है उसकी composition को आपका लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट 2013 में आई थी उसने बदला, क्योंकि उसने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस लाए जिससे कि आपका सीबीआई की composition में भी चेंजेस आए. अब हम उसके बारे में जानेंगे. The central government shall appoint the director of CBI on the recommendation of a 3-member committee. मतलब कि अगर किसी CBI के director की नियुक्ति करनी है तो जो central government है उसे एक committee बनानी पड़ेगी जो कि 3 लोगों से मिलकर बनेगी. हटाना हो या appoint करना हो, आलोक वर्मा जो अभी हटाए गए हैं उनको भी हटाने में आपका 3-member committee का ही हाथ है. और वो जो 3 member होते हैं उनमें पहला होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कि इस वक्त है माननीय नरेंद्र मोदी, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिसको कि हमारे देश का सीजीआई रिकमेंड करे, जो कि इस वक्त हमारे देश के रंजन गोगोई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा में आपका जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है जो कि इस वक्त कोई नहीं है बिकॉज
लीडर ऑफ अपोजिशन तभी खड़ा हो सकता है जब उसकी पार्टी ने मेजोरिटी पार्टी के समक्ष 1/10 आपका सीट, मतलब कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं उनमें से कम 1/10 सीट वो जीता हो, वो पर्टिकुलर पार्टी जीती हो, तो वही पार्टी आपको अपोजिशन में बैठ सकती है। तो इन तीन लोगों की जो कमिटी होती है वो ये डिसाइड करती है कि किसे सीबीआई का डायरेक्टर बनाना है और किसे हटाना है एज अ डायरेक्टर के पद पे और कब हटाना है, मगर 2 साल से पहले पहले नहीं हटा सकते। अगर किसी चार्जेस वगैरह में लिप्त पाए गए तो उसकी बात अलग है। अगला, देयर शैल बी अ डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाई अ डायरेक्टर फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। मतलब कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है जो कि आपका, जिसको लीड करता है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केसेस, मतलब केसेस की जो प्रोसिक्यूशन होती है उनको आपका कंडक्ट करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन है और ये आप ऐड हुआ अंडर द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसकी जो रैंक होगी वो आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे वाले ऑफिसर को कभी भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं बनाया जा सकता, मतलब कि उसके ऊपर के बंदे को ही आप डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बना सकते हो। ही शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। उसका सर्वे सर्वा कौन होगा? सीबीआई का डायरेक्टर। मतलब कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो कुछ भी करेगा लेकिन वो आपका कंट्रोल में रहेगा, किसके? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की। अगला, ही शैल बी अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ही शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। मतलब कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति करेगा हमारे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकी भी टेन्योर आपकी कम से कम 2 साल होगी। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ SP एंड अबव इन द सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज अ चेयरपर्सन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज अ चेयरपर्सन, द विजिलेंस कमिश्नर, द सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री एंड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। मतलब कि अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में किसी ऐसे ऑफिसर की नियुक्ति हो जिसकी रैंक आपकी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर हो तो उसके लिए आपकी रिकमेंडेशन दी जाती है किसकी कमिटी के द्वारा? उस कमिटी में 4 लोग होते हैं। पहला, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि चेयरपर्सन होता है उस कमिटी का, द विजिलेंस कमिश्नर जो उसके नीचे आता है, द सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री एंड द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ये 4 लोग मिलकर रिकमेंड करते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर की जो रैंक के ऑफिसर्स होंगे उनकी नियुक्ति आपकी सीबीआई में होगी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि द सीबीआई एक्ट एज ए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। अक्सर दोस्तों जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं इंटरपोल तो हमको लगता है कि इंटरनेशनल पुलिस कोई होती होगी, कोई डिफरेंट आपकी पुलिस टाइप की होती होगी। नहीं दोस्तों, हर देश की अपनी एक सेंट्रल पुलिस एजेंसी होती है, ठीक है? जैसे कि इंडिया में सीबीआई है, अमेरिका में FBI है, ठीक है? असल में इंटरपोल आपका कोई भी स्पेशल पुलिस नहीं होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्रिमिनल है जैसे ओसामा बिन लादेन था, या मान लीजिए दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम के पीछे कई सारी जो आपकी सेंट्रल एजेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, वो उसके पीछे पड़ी हुई है और वो अक्सर जो दाऊद की लोकेशंस हैं, दाऊद की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि दाऊद की प्रॉपर्टी दुबई में सील हो चुकी है, इंडिया में सील होती है, तो ये सारी एजेंसीज जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल पुलिस। द इंटरपोल विंग ऑफ द सीबीआई कोऑर्डिनेट रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड द मेंबर कंट्रीज ऑफ द इंटरपोल। मतलब कि जो इंटरपोल की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, सीबीआई आपका मिलकर काम करती है, देन वो आपका पूरा का पूरा इंटरपोल कहलाता है। मान लीजिए
कोई एक इंसान है उसके ऊपर कोई केस चल रखा है जो कि सीबीआई के अंडर में है और वो इंसान इंडिया से बाहर है, किसी भी कंट्री में हो, सीबीआई एज अ पार्ट ऑफ द इंटरपोल उस पर्टिकुलर कंट्री की सेंट्रल एजेंसी से आपकी मदद ले सकती है उस इंसान को पकड़ने में। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि सीबीआई का काम क्या क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर फरमाइएगा। इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केंद्रीय जो गवर्नमेंट होती है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वो किसी करप्शन में, ब्राइबरी मतलब घूस या मिसकंडक्ट में पाए जाते हैं, तो वो केसेस आपकी डायरेक्टली इसको हैंडल की जाती है, सीबीआई के पास जाती है, वो इस केसेस को आपका क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। अभी अभी कुछ दिन पहले आपका एक आईएएस ऑफिसर है, जिसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जिनकी संपत्ति के कारण, बहुत बड़ी हुई संपत्ति के कारण उनके ऊपर सीबीआई का चार्जेस लगा है और सीबीआई उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं और सीबीआई उस केसेस को आपका हैंडल कर रही है, उस पर्टिकुलर केस को हैंडल कर रही है, नाम बताइए उस आईएएस ऑफिसर का क्या है। अगला, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिलेटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉ, दैट इज ब्रीच ऑफ लॉस कंसर्निंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंट्रोल। मान लीजिए हमारे देश में मॉनिटरी या इकोनॉमिक को लेकर कोई लॉ है, उसका किसी ने उल्लंघन किया है, जिसको हम लोग इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं, या ब्रीच ऑफ लॉ कंसर्निंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंट्रोल, जो आयात और निर्यात होते हैं उसके, उससे कंसर्न में जो लॉ होती है उसका किसी ने ब्रीच किया हो, उल्लंघन किया हो, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड सो ऑन, इन सारी चीजों से रिलेटेड कि जो लॉज हैं अगर इन्हें तोड़ा गया या इनका उल्लंघन किया गया तो इसकी जांच सीबीआई कर सकती है। हाउ एवर सच केसेस आर टेकन अप ईदर इन कंसल्टेशन विथ और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि ऐसे जो केसेस होते हैं वो आपका उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन के बिना सीबीआई नहीं कर सकती। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और अगर वो किसी पर्टिकुलर लॉस को तोड़ता है तो सीबीआई डायरेक्टली जाकर उसे पकड़ लेगी। तब तक सीबीआई नहीं पकड़ेगी जब तक कि सीबीआई को यह केस हैंडओवर नहीं किया जाएगा। अक्सर आप देखते हैं हमारे देश में कोई बड़े बड़े जो मर्डर केस होते हैं, पहले स्टेट पुलिस उसे देखती है, देन देयर आफ्टर जब मिनिस्टर्स को लगने लगता है कि अब उनकी मटिया पलित होगी तो वो उस केस को उठाकर सीबीआई को दे देते हैं, तो हैंडओवर करनी पड़ती है। मगर यह है दोस्तों कि सीबीआई का लॉ पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सीबीआई कहीं पर भी जाकर किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है, उसके पास इतनी पावर है। मतलब कि स्टेट पुलिस एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस में, दूसरे राज्य में घुसकर गिरफ्तारी नहीं कर सकती क्योंकि वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आता है, लेकिन सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन में एंटायर यूनियन आता है, मतलब कि आपका एंटायर नेशन आता है। इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स having national and international ramification committed by organized gang of professional criminals, इसको सिंपल समझा सकता हूं डी कंपनी। अगर कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है या कोई ऑर्गेनाइज गैंग है, उनकी जो वो जो क्राइम्स करते हैं, इंटरनेशनल नेशनल जो रेमिफिकेशन होती है, मतलब कि जो क्राइम्स होते हैं उनको भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। अगला, मेंटेनिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड डिसमिनेटिंग क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो क्राइम की स्टैटिस्टिक है वो भी आपका ये मेंटेन करती है और जो क्रिमिनल का इन्फॉर्मेशन है वो भी पूरा का पूरा बायोडाटा ये निकाल कर रखते हैं अपने पास। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज एंड द वेरियस स्टेट पुलिस फोर्सेस, अगर किसी राज्य की पुलिस फोर्सेस आपका लिप्त पाई जाती है करप्शन में या कोई एंटी करप्शन एजेंसीज है, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज एंड द वेरियस स्टेट पुलिस फोर्सेस, मतलब कि जो एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं और जो स्टेट पुलिस फोर्सेस होती हैं उनकी एक्टिविटीज को भी ये कोऑर्डिनेट करते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर स्टेट की पुलिस फोर्स किसी करप्शन में या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व पाई जाती है, जो कि अक्सर पुलिस
पाई जाती है तो वो भी आपका सीबीआई हैंडल कर सकती है तब तक जब तक कि उसको वो चीज हैंडओवर की जाए. टेकिंग अप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं.